12 तारीख को शाहरुख साहब की फिल्म पठान का पहला सॉन्ग रिलीज हो रहा है, जिसके बारे में अभी से ही ऑफिशियल अनाउंसमेंट आ चुकी है। अब दोस्तों आप लोगों को बता दूं तो कल के दिन जब एक पोस्टर रिलीज किया गया था शाहरुख साहब का, जिसमें लिखा था कुर्सी की पेटी बांधे रखे मौसम बदलने वाला है, इसको लेकर ही सोशल मीडिया पे फैंस भड़के हैं। जी हाँ, इस वीडियो में मैं राहुल भोज आपको बताऊंगा, ध्यान से सुनिएगा ये बात। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तनादन कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। मैं हूं आपका यारों का यार होस्ट राहुल भोज। इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में है, RHULBHOJ। ये बात तो हम सबको पता है दोस्तों कि शाहरुख साहब जो हैं वो 2023 में धमाका करके आने वाले हैं, जहां सबसे पहले उनकी फिल्म पठान रिलीज होगी, फिर उसके बाद जवान रिलीज होगी और उसके बाद डंकी रिलीज की जाएगी। जी हाँ, डंकी और पठान जवान तीनों के लिए एक्साइटमेंट बहुत ज्यादा है। लेकिन पठान का जनवरी में अभी से ही जो ऐलान है उसको लेकर अगर बात की जाए तो बैक टू बैक पोस्टर छोड़े जा रहे थे, जहां पर शाहरुख साहब के कभी खून से लथपथ फोटो, कभी साइड लुक, कभी फ्रंट लुक, कभी कुछ रिलीज किया जा रहा था। अब लेटेस्ट जो रिलीज किया गया दोस्तों वो पोस्टर था जहां पर खून से लथपथ तो थे शाहरुख खान, लेकिन ये लिखा था कुर्सी की पेटी बांध कर रखे मौसम बदलने वाला है, जिसमें फैंस ने बवाल मचा दिया। बोला कि कब से तुम हमें कुर्सी की पेटी बांधे रखने की बात कर रहे हो, कब से तुम हमें बोल रहे हो कि अब आएगा। अरे भैया बताओ तो सही। फैंस हैं, इंपेशेंट हो जाते हैं, तो ऐसे में फैंस ने लिटरली हंगामा कर दिया कि भाई ये हद होती है, आप लोगों ने हमारा दिमाग खराब कर रखा है, कुर्सी की बेटी बांध के रखे। अरे भाई करो तो सही, कम से कम लेकर तो आओ, आखिरकार गाना कब ला रहे हो आप। फाइनली अभी खुशखबरी ये है दोस्तों कि गाना 12 तारीख को रिलीज होने वाला है, 11 बजे आ जाएगा, सोशल मीडिया पे हंगामा मचेगा और तब जाके इंटरेस्टिंग ये बात हो जाएगी कि गाना कितना ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा, अमेजिंग होगा। मैं तो लिटरली एक्साइटेड हूँ, क्योंकि ये जो बेशरम रंग, ये जो जिस तरीके का इसका टाइटल है, विशाल ददलानी ने म्यूजिक कंपोज किया है दोस्तों, तो सुनना बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा और सुनने से ज्यादा देखना, क्योंकि दीपिका पादुकोण और शाहरुख खान, ओम शांति ओम ले लीजिए, हैप्पी न्यू ईयर ले लीजिए, या फिर आपका चेन्नई एक्सप्रेस ले लीजिए, तमाम ये वो फिल्में हैं जहां पर इन दोनों ने धमाल मचाया है। सो लेट्स सी, देखते हैं कि बेशरम रंग क्या धमाका मचाता है। वैसे आपको क्या है कहना इस बारे में, कमेंट करके जरूर बताइएगा। बने रहें चैनल के साथ, देखते रहें टेली खजाना, मुझे इजाजत दें, बाय बाय।